Hello students, myself D.D. Roy, D.D. Academy में आप सबका स्वागत है। आज का चैप्टर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, चाहे आप बैंक की नौकरी के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे की कर रहे हैं, चाहे आप SSC की कर रहे हैं, चाहे आप CPO की कर रहे हैं, यहाँ तक कि आप अगर पुलिस के भी कर रहे हैं, पटवारी के भी कर रहे हैं, सब में ये घातांक और करनी जो है या सर्ट्स एंड इंडिसेस बोलते हैं, ये एक मेजर इशू बन जाता है। अगर हम बोलते हैं कि हम मैथ्स में कमजोर हैं तो उसके पीछे ये कारण भी है कि दिस घातांक और करनी। आप जैसे बहुत स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट था कि मैं जल्दी से जल्दी इस वीडियो को बनाऊं, आपके सम्मुख पेश करूं, तो चलिए मैं मानता हूं कि मैं एक सप्ताह देर हो गया कुछ मेरे पर्सनल कारण के कारण, और एक दो दिन में ऐसे भी थोड़ा सा मतलब अपने शेड्यूल से हट के चल रहा हूँ। आशा करता हूँ कि अगले दो तीन दिन में मैं इसे कवर भी कर लूँगा। तो चलिए इस घातांक और करनी को करते हैं, और मैं सबसे निवेदन करूँगा कि ये बेसिक मैटर है जो मैं अपने अंदाज से दिखाऊँगा, तो आप इस क्लास को मेरे साथ ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल जो है, देखिए मैं लोग रूल्स पहले सिखाते नहीं, मैं रूल्स को बार बार आपको याद करवाऊंगा। उसमें क्या हो जाता है, आपके रूल्स दिमाग में आ जाते हैं, लेकिन अगर मैं रूल्स को पहले करके फिर उसके एप्लीकेशंस को बोलता हूँ तो कभी कभी क्या होता है, रूल्स आपके साथ छोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पे है 8^2/3, मतलब 8 का पावर है 2/3। अब सबसे पहले क्या है, 8 को हम तोड़ते हैं। 8 को तोड़ेंगे कैसे, गुणा में तोड़ेंगे, जोड़ में नहीं। तो क्या होगा, 8 को तोड़ेंगे तो 2 का होगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। तो मतलब 8 को अगर हम 2 को 3 बार लिखे, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, देखिए बाद बाकी 2/3 इसका जो पावर है वो रह गया। अब देखो घातांक किसको बोलते हैं, सर्ट्स किसको बोलते हैं, मतलब कोई संख्या कितना बार गुणा किया गया है। 2 देखो हमने कितना बार गुणा किया है, 3 बार गुणा किया है, तो 2 का पावर 3 × 2/3, मतलब यहां देखो 3 2 के जगह पे 1 2 हो गया। ये 2 क्या है, ये बता रहा है, ये 3 क्या है, ये बता रहा है कि यहां पे जो था 2 3 बार गुणा हुआ था। आप समझ गए, 2 3 बार गुना हुआ। देखो फिर से देखते हैं, 8 को हम अगर करते हैं तो 2 से करते हैं, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, मतलब क्या, 2 को कितना बार लिखना पड़ा, 3 बार। घातांक का मतलब ही होता है कि हम इसे दूसरे तरह से भी लिख के दिखा सकते हैं। ये 2 लिखा, इसके माथे पे 3 लिख दिया, मतलब क्या हुआ, 2 को हमने 3 बार गुना किया है। और देखो 2/3 तो ऐसे ही था, यहां देखो प्लस में नहीं है, यहां भी गुणा के संपर्क में, सारा चीज गुणा वाला मामला है देखो, ठीक है। अब देखो ऊपर का 3 नीचे का 3 कट गया, अब क्या हुआ, 2 के माथे पे 2 आ गया। अब हम जानते हैं कि 2 के माथे पे 2 मतलब 2 बार गुना होगा, तो 2 × 2 = 4। आशा करता हूं ये एकदम क्लियर हो गया है, नहीं तो चलिए एक बार करते हैं आप फिर से, 8^2/3। अब यहां करने का क्या है, केवल इसी को तो तोड़ सकता हूं, और तो कुछ तोड़ने का कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो चलिए तोड़ देते हैं इसे, गुना में तोड़ना है, 2 × 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। और हम जानते हैं कि जब 2 3 बार गुना हुआ है तो उसे पावर में कैसे लिखते हैं, जो घातांक की घातांक का जो सिस्टम है, 2 को हमने 3 बार गुना किया है, और ये 2/3 जो था वो 2/3 यहां रहता है, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करते हैं, लेकिन 3 के बाद एक गुना का सिंबल है वो रखना पड़ता है, क्लियर। अब 3 से 3 आपने काट दिया, तो 2 के ऊपर क्या हुआ, 2 के ऊपर 2 रहा, क्या है कि 3 से 3 तो कट चुका है। अब 2 के ऊपर अगर 2 है, पावर में 2 है, तो कहने का मतलब क्या है, 2 बार गुना होना है, तो बराबर 4। चलिए अब देखते हैं 16^3/4, ये पावर है 16 है, आप समझ चुके हैं। अब इसे 2 से तोड़ेंगे, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16। अब 2 कितना बार गुना के चिन्ह के साथ जुड़ा हुआ, 1 2 3 4, तो 2 के ऊपर क्या लिखेंगे, 4। 3/4 तो ऐसे ही रहेगा, बीच में गुना का चिन्ह मारेंगे।
अब देखिए चार और चार कट गया, चार और चार कट गया तो क्या हुआ, दो के ऊपर तीन हो गया। दो के ऊपर अगर तीन है तो मतलब ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि भैया दो को तीन बार गुना करो। तो हमने चलिए गुना किया, दो गुना दो गुना दो, तो दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आंसर आठ आ गया। तो अब देखिए ये जो है हम अपने स्वाभाविक प्रक्रिया से समझने की कोशिश करते हैं। देखो साथ में नियम चल रहा है, लेकिन नियम को अलग से बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। नियम अपने आप हम सीखते हुए चले जाएंगे और ऐसे सीखेंगे जो दूसरे सीखते हैं वो तो नियम भूल जाते हैं, हम भूलते ही नहीं है, क्योंकि नियम को एक्सट्रैक्ट करके कैसे मैथ को बनाया जा रहा है उसको हम सीख रहे हैं। अब आगे चलते हैं। अब देखिए इसको बोला जाता है वर्गमूल, ये वर्गमूल का सिंबल है, आठ टू द पावर वन बाई थ्री, ठीक है। अब देखो ये वर्गमूल का सिंबल है, आठ है, एक बटे तीन है, तो हम अभी तक क्या कर रहे हैं, बस ये आठ को ही तोड़ दे ना, दो गुना दो गुना दो, ठीक है। अब देखो ये वर्गमूल का जो सिंबल है, इस वर्गमूल के सिंबल को हम कैसे लिख सकते हैं, ये वर्गमूल मतलब एक बटे दो में लिख सकते हैं। तो देखो इसको हटाया, ब्रैकेट में लिखा दो 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 तो वही रह गया, यहां क्या हटाया हमने, वर्गमूल हटाया है। और वर्गमूल को कैसे हम लिखते हैं, एक बटे दो गुना एक बटे तीन। अब देखो एक बटे तीन कहां से आया, ये तो एक बटे तीन यहां पे था, एक बटे दो कहां से आया, ये मैंने वर्गमूल को हटा दिया इस सिंबल को, इसके लिए एक बटे दो आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक पंथा और करेंगे, हमें तो दो एक लेना है, तो हम यहां घातांक का इस्तेमाल करेंगे, तो दो कितना बार है, एक दो तीन, तो हमने लिखा तीन गुना एक बटे दो पहले ही था, एक बटे तीन पहले ही था। अब देखो अब हमारा तीन से तीन कट गया, इस तीन से ये तीन कट गया, तो दो के ऊपर क्या हुआ, पावर एक, ये पावर है हा? एक बटे दो हुआ। अब दो के ऊपर एक बटे दो पावर होता है तो मतलब उसको क्या बोलते हैं, वर्गमूल दो या रूट ओवर टू। देखो यहां पे पहले भी वही किया, रूट ओवर एट टू द पावर वन बाई थ्री, तो पहले हम क्या करते हैं आठ को तोड़ते हैं, रूट ओवर रख देते हैं, दो गुना दो गुना दो पावर टू द पावर वन बाई थ्री, फिर क्या करते हैं रूट ओवर को हम हटा देते हैं, तो फिर क्या दो गुना दो गुना दो और पावर को हम रूट ओवर को कैसे लिख लेते हैं, पावर में लिख देते हैं एक बटे दो गुना एक बटे तीन। अब क्या करते हैं दो को हटाते हैं, तो मतलब घातांक का इस्तेमाल करते हैं, दो बार हमने कई बार इस्तेमाल किया दोस्त, एक दो तीन, तो दो के ऊपर तीन गुना ये पूरा उतारते हैं एक बटे दो गुना एक बटे तीन। अब देखो तीन तीन कट गया तो एक बटे दो, दो टू द पावर वन बाई टू, अब टू टू द पावर वन बाई टू को क्या बोलते हैं रूट ओवर टू। तो देखो एक चीज और सीख गए हम, रूट ओवर का मतलब होता है पावर वन बाई टू, तो अगर रूट ओवर को पावर में लिखना है तो हम वन बाई टू लिखेंगे, और वन बाई पावर को अगर हमें रूट ओवर में लिखना है तो हम रूट टू लिखेंगे। अब जरा एक नई चीज को सीखते हैं। देखो अभी तक तो हम ये पावर में भिन्न ले गए थे, सामने पॉजिटिव था, प्लस का सिंबल था। अब देखो यहां एक नया प्रचलन चालू हुआ, यह माइनस हो गया। अब यह मसला क्या है, देखो 81 बटे 169, 81 अपॉन 169 माइनस 2/4। अब देखो इसको हमने पहले लिख दिया 81, माइनस को जानबूझ के हमने रेड में लिखा कि मिस नहीं हो जाए। अब देखो यहां 169 बाई 81 है, देखो यहां भी 2/4 है, तो ये पलटा क्यों दोस्त, ये पलटा देखो माइनस से जब प्लस होता है तो अंदर की जो चीज होती है वह पलट जाती है, ऊपर 81 था नीचे 169 था, हमें माइनस को प्लस किया तो क्या, सिंपली देखो 169 को ऊपर कर दिया 81 को नीचे कर दिया। तो हम समझ गए जब भी कोई भिन्न पावर में होता है माइनस में होता है उसे प्लस में करने के लिए बेस की जो चीज है जिसके ऊपर पावर चढ़ा हुआ रहता है उसको उलट दिया जाता है। अब आ गया देखो, और साथ में देखो दो बटे चार है, इसे काटेंगे तो क्या होगा एक बटे दो, तो फिर 169 डिवाइडेड बाई 81 वन बाई टू। अब वन बाई टू का मतलब क्या होता है, वन बाई टू मतलब रूट ओवर, तो देखो सबका ऊपर रूट ओवर, मैंने पूरा रूट ओवर बनाया,
169 और 81। अब ये वर्गमूल निकालना है। 169 क्या होता है? 13 × 13। तो वर्गमूल में हम जानते हैं कि वर्गमूल होता है तो दो संख्या जो गुना में होता है उसमें से एक संख्या निकल जाता है। ये देखो 13 निकल गया। 169 का वर्गमूल क्या है? 13। 81 कैसे बनता है? 9 × 81, तो उसमें से 19 निकल गया। तो हमने एक चीज और सीख लिया दोस्त, वो क्या है? जब पावर माइनस में होता है तो बेस उसके पलट जाते हैं, ठीक है। तो हमने देखो चार चीज तो सीख लिया, अभी आगे चल के देखते हैं। अब आते हैं, अब देखो उसी की पुनरावृत्ति है, 32/243 -4/5। तो नेचुरली -4/5 को पहले +4/5 में करेंगे, देखो ये प्लस हो गया है, और प्लस अगर हुआ है तो मतलब ये पलटी मारा है। ये देखो 32 ऊपर था, नीचे हो गया, 243 नीचे था ऊपर हो गया। अब देखो ये चूंकि हम एक थोड़ा सा 4/5 था, वहां पूरा 1/2 था, इसको लिखने के लिए ये मैं अपने तरीके से लिखता हूं कि चीजें एकदम समझ में रहे। देखो ये 243/32 का मतलब होता है 243 को 32 से भागा देना, और दोनों के ऊपर 4/5 का तो पावर है, तो मतलब यहां जो बटे का मतलब को मैंने दोनों को अलग अलग करने के लिए यहां उसको भागा का सिंबल दे दिया। अब बराबर देखो, 243 to the power 4/5 डिवाइडेड बाई 32 to the power 4/5। अभी तक देखो पहले हम अंदर के संख्या को तोड़ देते थे, अभी तक हमने तोड़ा नहीं है, अब तोड़ना चालू करेंगे। 243 क्या होता है? 3 × 9 = 3, 9 = 27, 27 × 81, 81 = 243। अब एक बात है, मैं भी जानता हूं कि सर ये देखने से हमें कैसे पता चलेगा, हम तो बोलेंगे कि लसन निकालने के लिए और एक कॉपी आप ले लो। अभी उस कॉपी पे अब लिखना चालू करो, जो संख्या बार बार आता है ना, तो वो अगर याद हो जाए तो कुछ नहीं करना पड़ता है। जैसे 243 देख के ही हमें समझ जाता है कि ये 3 5 बार गुना हुआ है, तो मैं 3 to the power 5, 243 मतलब 3 to the power 5। अब देखो 32 है, 32 में 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, 16 × 32 कितना? 1 2 3 4 5, 2 भी 5 बार है, 3 भी 5 बार है। अब देखो 3 के ऊपर जब हमने इसको किया, फिर क्या करेंगे, हमने 3 कितना बार गुना किया? 5 बार, 3 5, और 4/5 तो ऐसे ही रहेगा, बीच में गुना का चिन्ह होगा, 5 5 कट गया, 3 to the power 4 हो गया। देखो यहाँ 3 to the power 5 है, डिवाइडेड बाई, अब देखो 2 है, यहाँ कितनी बार गुना है? 5 बार गुना हुआ है, तो हमने 2 to the power 5 किया गुना, 4/5 तो था ही, उसे सिंपली लिख दिया। अब देखो 5 से 5 कट गया, 3 to the power 4 जैसा हमने बताया था, उसी तरह 5 से यहाँ भी 5 कटा, 2 to the power 4, यहाँ 2 to the power 4। अब 3 का पावर 4 मतलब 3 को 4 बार गुना करते हैं, चलो गुना करते हैं, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 81, ये 81 लिख दिया। भागा के सिंबल को कैसे लिख सकते हैं, या बटे का सिंबल दे सकते हैं ना। अब 2 को 4 बार गुना करना है, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 4, 4 × 8, 8 × 16, तो 2 को अगर 4 बार गुना करेंगे तो 16 होगा, तो आंसर होगा 81/16। अब देखो 36 to the power 1/6 है, 36 to the power 1/6 है, तो इसमें करने के लिए क्या, खुद ही ये दिखाता है कि मेरे को तोड़ दो, ये चिल्ला के बोल रहा है, तो हमने 6 × 6 लिखा, ऊपर 1/6 लिखा। अब 6 × 6 मतलब 6 × 36, तो हमने 6 कितना बार गुना किया है? 2 बार गुना किया है, तो हमने 2 लिखा गुना 1/6 जो था वैसे ही उतर गया, तो 2 से हमने 6 को काटा तो क्या होगा? 1/3, देखो यहाँ 1/3 और 6। जैसे 1/2 बराबर रूट ओवर वर्गमूल होता है, 1/3 घनमूल होता है, 1/3 क्या होता है? क्यूब रूट या घनमूल। 1/3 क्या होता है? क्यूब रूट या घनमूल। कैसे लिखते हैं देखो, वो सिंबल तो वही है लेकिन उसके ऊपर 3 लिख देते हैं, मतलब ये वर्गमूल का सिंबल नहीं रहा, ये क्या हो गया? घनमूल का सिंबल हो गया, या क्यूब रूट का, मतलब हमें 6 का क्यूब रूट निकालना है।
लेकिन हमारा आंसर क्या है, यहां से हम इसे आगे बढ़ना नहीं है, तो हम लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 6 या घनमूल ऑफ 6। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं, 36 को हमने क्या किया, 36 टू द पावर 1/6 था, पहले हम जो कर रहे थे अभी भी किया, 36 को तोड़ा 6 × 6। अब बोले सर 12 × 3 क्यों नहीं किया, 4 × 9 क्यों नहीं किया, सब में तो 36 होता है। देखो हमने जब 6 देखा ना, तो हमें यहां पे इसको जो गुणक लाना, एक ही संख्या का 2 बार गुणक होना चाहिए ना, तो मतलब स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए था, तो 6 × 6 किया, 4 × 9 करता तो हम आगे नहीं बढ़ पाते, उससे भी 36 होता है। तो ये जैसे जैसे आप करते हुए जाएंगे ये समझ में आता हुआ जाएगा। अब 6 कितना बार गुना किया हमने, 2 बार गुना किया, 2 × 1/6, तो 2 से 6 कटा था क्या हुआ, 1/3, और 6 तो आ ही गया। और आपने सीखा अभी कि 1/3 को क्या बोला जाता है, क्यूब रूट या घनमूल। अब घनमूल कैसे होता है, तो हम जानते ही वही रूट ओवर का सिंबल करते हैं, ऊपर 3 लिख देते हैं, तो मतलब ये स्क्वायर रूट नहीं है, वर्गमूल नहीं है, ये आपका घनमूल है, ये 3 लिखने के कारण ही बन जाता है, अंदर में 6 लिखा, यही आपकी आंसर हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आप एक और स्थिति पे आते हैं। देखिए मैंने क्या किया है कि बेसिक्स अभी लिखा हुआ था, यहां जो भी करेंगे वो बेसिक्स हैं, वो बेसिक्स के वही सब तरीके, वही सब पैटर्न मिलके बाद में आप सर्ट्स और इंडिसेस या करणी और घातांक और करणी के जो है रेगुलर मैथ्स बन जाते हैं। तो अभी इस वीडियो में बहुत ज्यादा मैं रेगुलर मैथ नहीं करूंगा, वो नेक्स्ट में करूंगा, क्या है कि समय की कमी हो जाएगी। चलो आते हैं -1/343। अब -1/343 टू द पावर -2/3, सबसे पहला काम -2/3 को +2/3 में करना। देखो +2/3 में किया तो ये क्या होगा, पलटी हो जाएगा, 343 ऊपर चला जाएगा, -1 नीचे चला जाएगा। अब देखो किसी चीज को अगर 1 से भागा देते हैं तो वही संख्या आता है, और -1 से भागा देंगे तो सामने माइनस आ जाएगा, तो क्या आया, देखो 343 2/3। देखो यहां कोई चेंजेस नहीं हुआ, यहां केवल मैंने प्लस में चेंजेस किया और कैरी ऑन करता हुआ जा रहा हूं। अब माइनस को मैंने जानबूझ के ब्रैकेट के बाहर निकाल दिया, बोला कि तू भैया बाहर जा। अब 343 वही होता है, 7 × 7 = 49, 49 × 7 = 343। अब बोलेंगे सर मेरे को क्या, फिर मैं बोलूंगा वही कॉपी में लिखो भैया, 7 का क्यूब जो होता है 343, ठीक है। अब देखो वही 3 बार 7 लिखा, 2/3। अब पता है इसका बाद वाला स्टेप क्या होगा, हम लिखेंगे 7 कितना बार लिया है, तो 7 3 बार है, गुना का सिंबल दिया 2/3, अभी तक हमने 6 में इसी तरह बनाया है, 3 3 कट गया, तो क्या हुआ, माइनस तो है ही है, 7 का स्क्वायर हुआ -49। यहां दोस्त -7 या गलती हुआ है दोस्त, इसको जरा हम सुधार लें, ये माइनस तो है ही है, लेकिन ये माइनस को मेरे को अंदर ले लेना होगा, नहीं तो ये ऐसे हम इसको बाहर नहीं करते हैं, इसको हम अंदर ही रख देते हैं, तो -7 × -7 × -7 होता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब ये निकलेगा तो ये यहां पे ये गलती हो गया है, अंदर -7 होगा। अब -7 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये 14 है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, दैट इज द +49 होगा। यहां पे छोटा सा मिस्टेक देखो, जब मैं कर रहा था, जब टाइपिस्ट नहीं किया, या शायद मेरे को मैंने गलत कर दिया था उस वक्त, लेकिन छोटी सी चीज है, बोलते ना इसको नजर हटा कि दुर्घटना घटा। तो ये देखो प्लस, ये माइनस, यहां अगर माइनस करता हूं तो -7 × -7 कितना होता है, +49 को -7 से गुना करूंगा तो -343। ये कभी नहीं हो सकता कि एक -7 है एक +7 है, तो अगर +7 लेता हूं तो कभी -343 नहीं आएगा, अगर हमें -7 लेता हूं तभी -343 आएगा,
तो बाहर में लेके जो मैंने बचाने की कोशिश किया था वो गलत था मेरा, या मेरा गलत था या टाइपिस्ट ने गलत किया, तो वो मेरे को भी याद नहीं है। तो जिसके लिए माइनस यहां होना नहीं था, माइनस अंदर होना था, माइनस होने के बाद ये होके प्लस 49 हो गया। अब आते हैं, देखिए 16 टू द पावर 1.75। देखिए मेरा क्या है, जितने टाइप के मैथ्स को लेके हम पहले इसके बेसिक्स को लेके उसे हम आलोचना करते हैं। अब देखो एक 1.75 इसको तो तोड़ना है ही है, लेकिन 1.75 को हम कैसे कर सकते हैं। देखो अगर आपको दशमलव में थोड़ा प्रॉब्लम है तो मेरा दशमलव भी दिया हुआ है, दशमलव के वीडियो को देखेंगे तो हम 1.735 को 175 बटे 100 लिख सकते हैं। तो चलिए 16 है, 25 से अगर भागा देते हैं तो 2500 के 100 होता है, 25 से 175 होता है। अब हम क्या करेंगे, देखो 16 पूर्णांक 7 बटे 4 जो हम यहां पे इस पोजीशन में पहुंच जाते हैं, तो फिर उसके बाद क्या करना पड़ता है, हमें इसको तोड़ देना पड़ता है 16 को। 16 को किया, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, कितने दो हुए, देखो चार दो हुए, तो दो के ऊपर क्या लिखूंगा, चार गुने 7 बटे 4। अब देखो चार और चार कट गया तो क्या आएगा, 2 to the power 7। ठीक है, यहां पे क्या आएगा आपका, 2 to the power 7। ये बराबर यहां पे अगर लिख लेता तो शायद सही था मेरे हिसाब से, ये हमारा जो निकला ये निकला 2 to the power 7। अब जब 2 to the power 7 है तो हमें 2 7 बार गुना करना है, चलिए करते हैं। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, तो मतलब 128 आंसर हो गया। तो देखिए ये काफी सहज है, मैं बहुत धीरे जा रहा हूं कि ये कहीं पर ना दिमाग को थोड़ा चकराने लगता है, बहुत ज्यादा करते हैं तो इसके लिए कि थोड़ा स्लो करके और चीज को समझते हुए पढ़ें तो ये एक ही बार में आपका झटके में सब क्लियर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब हम कुछ बोलना चाहेंगे आपसे, जो लोग जानते हैं उनके लिए कोई नई चीज नहीं है, वो मुझे क्षमा करेंगे, क्या कि आगे से समझ लीजिए कि 5, 10, 15 वीडियो में इस चीज को लोगों को मैं बताऊंगा, क्योंकि हर किसी को मैं जो कुछ कर रहा हूं उसके बारे में लोग जाने। देखो एक संपूर्ण गणित करके टोटल वीडियो जिसमें पहले 299 हुआ करता था, अब 310 से ऊपर हो चुका है टोटल वीडियो। अगर आप पटवारी के एग्जाम देने जा रहे हैं, पुलिस की देने जा रहे हैं, एसएससी जीडी की देने जा रहे हैं, एसएससी सीएचएसएल की देने जा रहे हैं, एसएससी सीपीओ की देने जा रहे हैं, एसएससी सीजीएल की देने जा रहे हैं, रेलवे की देने जा रहे हैं, SBI की देने जा रहे हैं, IBPS की देने जा रहे हैं, इंश्योरेंस की देने जा रहे हैं, UPSC की देने जा रहे हैं। ये ऐसे बनाने की कोशिश किया है मैंने, सारे को सॉल्व करते हुए, वीडियो सॉल्व करके जैसे ये देख रहे हैं उसी तरह वहां सारे वीडियो हैं। ये वीडियो मैं बोलता हूँ बेसिक से सब कुछ है, लेकिन कोई चीज अनंत तो हो नहीं सकता है दोस्त। इसमें क्या क्या नहीं है वो भी बता दूं, लॉग के मैथ अभी नहीं आते इसलिए लॉग मैं नहीं देता हूं उसके अंदर में, कैलकुलस के कुछ पार्ट हैं जो इसमें नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं यूपीएससी की बोलता हूं तो यूपीएससी में कुछ पार्ट नहीं है, यूपीएससी के कौन से एग्जाम, एनडीए के एग्जाम, बाद बाकी सारे पार्ट हैं। अब देखिए ये सारा वीडियो जो है, ये वीडियो आप मैं बोल सकता हूं कि बड़े गर्व के साथ कि भारतवर्ष में सबसे कम दाम में अवेलेबल है, सबसे कम दाम में। अब देखिए इसके साथ गूगल क्लासरूम मिलता है जो 1 साल के लिए फ्री है, इसको अपडेट क्लास बोलते हैं। देखो अगर मैं संपूर्ण गणित की बात करना चाहता हूं बोल रहा हूं तो हर दिन कुछ नए न कुछ मैथ निकलते हैं, हर एग्जाम के लिए नए ट्रेंड के मैथ आ जाते हैं। तो अपडेट क्लास में क्या होता है, जितने भी नए वीडियोस मिलते हैं, आप तो भैया परचेस कर लिए, अब वो क्या है कि गूगल क्लासरूम में आपको मिलते ही जाते हैं। फिर लेटेस्ट पैटर्न की मैथ को कैसे किया जाता है उसकी चर्चा होती है, भले वो पुलिस में दिखा हो, पटवारी में दिखा हो, या SSC में दिखा हो, या बैंक में आया हो। अभी देखो बैंक पैटर्न में काफी बैंकर जो हैं, जो बैंक देने जा रहे हैं,
तो जानते हैं कि भयंकर चेंजेस होने वाला है उनके पैटर्न में। नेचुरली मेरे से अगर कोई बैंक के लिए भी इस गणित को लिया हुआ है, उसे भी ये सारे जो चेंजेस होने वाले हैं वो वहां पे उसे मिलेंगे सॉल्यूशन के साथ। तो कहने का मतलब कि क्या गूगल क्लासरूम में जब जुड़े हुए हैं एक साल तक, तो जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, गूगल क्लासरूम आपको सपोर्ट करता हुआ जाता है। फिर है कि एग्जाम प्रिपरेशन गाइडलाइंस। देखिए लोग, मैं भी प्रिपरेशन के बहुत सारे बातों को किया हूं, बहुत भी किए हैं। अब एक ऑनेस्ट आस्क, जैसे आज ही मैं रात को दूंगा, है कि अगर मैं बैंक या थोड़ी बैंक की चर्चा करूं कि अगर आज मेरे को 62 साल की उम्र में अगर सरकार ने अलाउ कर दिया मेरे को कि चलो भैया तुम नई जिंदगी शुरू कर सकते हो, तुम भी बैठ जाओ एग्जाम, तो फिर पढ़ाना एक दूसरी चीज है। मैं जानता हूं कि एक मध्यम, मैं पकड़ लेता हूं कि कल्पना की आंखों से देखता हूं कि एक मध्यम कैटेगरी का स्टूडेंट हूं मैं, थोड़ा सा डरता हूं मैं, और मेरे को तोड़ना है। तो तोड़ना है अगर एग्जाम, तो प्रीलिम आएगा, मेंस आएगा, तो फिर मैं प्रीलिम्स में क्या क्या चैप्टर उठाऊंगा, कैसे प्रिपरेशन करूंगा, किस किताब से प्रिपरेशन करूंगा, मेरा एग्जैक्ट गोल क्या होगा। फिर अगर मेंस की प्रिपरेशन करने जाता हूं तो उसकी प्रिपरेशन कैसे करूंगा, उसके गोल्स क्या होंगे। तो यही चीज, ये तो मैंने बैंक का बताया भी कर रहा हूं, यही एग्जाम प्रिपरेशन गाइडलाइंस जो है, जो गूगल क्लासरूम में मेरे से जुड़े हुए हैं, जो मतलब ये संपूर्ण गणित को मेरे से परचेज किए हैं, वही मेरे से गूगल क्लासरूम में जुड़े रहते हैं, उनको ये सारी चीजें मिलती हैं। अब देखिए, ये जो संपूर्ण गणित है, जो फिर से दोहराता हूं, वीडियो फॉर्म में है और आपके साथ में पीडीएफ भी है इसके, वो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, जो करीब 10 GB का, आप समझ सकते हैं कितने सारे बेसिक से सब कुछ है। तो इसकी कीमत जो है वन टाइम, ये कभी 300 हुआ करता था, अब ये 360 हो गया है। इसके कारण इसके साथ जो GST जुड़ा हुआ है, और यही चीज अब देखो, बहुत लोग स्पीड पोस्ट में DVD से मंगाना चाहते हैं। मैं अभी ये नहीं दे रहा हूँ, क्या करते हैं आपका, इसको क्या बोलते हैं, अरे भूल जाता हूँ मैं, पेन ड्राइव, मैं पेन ड्राइव में नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि पेन ड्राइव अननेसेसरी कॉस्ट को बढ़ा सकता है। देखो 360 रुपये में अगर है, अगर आपके पास सपोज जियो फ्री में है, वो जो 300 मतलब आप लेते हैं जो, तो हर दिन का 1 GB है, तो 10 दिन में पूरा चीज डाउनलोड कर ले सकते हैं, तो ये 360 में हो जाता है। DVD में है तो इसमें 3 DVD लगते हैं, स्पीड पोस्ट के चार्ज होते हैं, पैकिंग के चार्ज होते हैं, तो देखो इसे 160 रुपया बढ़ा हुआ है, मतलब जितने लगते हैं यार उतने ही, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और देखो अगर ऐसे सोचोगे कि संपूर्ण गणित के साथ गूगल क्लासरूम एक साल का मिलता है, तो शायद मेरे भावना को समझ पाओगे कि 360 रुपये के लिए, अगर 365 दिन के लिए 360 रुपया दे रहे हो, तो मतलब प्रतिदिन 1 रुपया आप मेरे क्लास या मेरे जो गणित को सीख रहे हो उसके लिए देते हो। और अगर 520 रुपया है तो ये 1.5 रुपया करीब पड़ता है, क्योंकि ये DVD के कॉस्ट को मैं जीरो नहीं कर सकता, स्पीड पोस्ट के कॉस्ट को मैं जीरो नहीं कर सकता। अब देखो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, जिसमें से अगर आप इस पे जानने के बाद, प्लीज अब मेरे से मत पूछिएगा कि सर मेरे को कुछ बताओ, क्योंकि आप भी समझते हैं कि आपके वक्त कितने कीमती हैं, मेरे भी थोड़े हैं यार। तो फिर क्या है कि मैं यहाँ पे सारा कुछ इसलिए बता रहा हूँ कि आप क्या करेंगे, सीधा बोलेंगे मेरे को पेमेंट लिंक दे दो, क्योंकि आपने सब कुछ जान लिया है। अब पेमेंट लिंक देने के बाद मैं तब आपको लिंक भेजूंगा, जब व्हाट्सएप में आप इतना लिख के आप अपना नाम, अगर आप नाम नहीं लिखते हैं तो देखो क्या है ना कि वो कितना जेन्युइन है वही समझ में नहीं आता है, आप नाम और किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये थोड़ा सा लिख देते हैं। लिखने के बाद आप पेमेंट लिंक भेजते हैं, मांगते हैं मेरे से, सर मेरे को मैथ्स का पेमेंट लिंक भेजो। तो फिर मैं पेमेंट लिंक भेजता हूँ, जिस लिंक से आप नेट बैंक से नेट बैंकिंग करके मेरे को पेमेंट कर सकते हैं, 520 रुपया हो या 360 जो आपकी है, ATM कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से करते हैं, या मेरी जो ये अकाउंट है बैंक ऑफ इंडिया में, तो आप बैंक ऑफ इंडिया के शाखा में जाके भी मेरे अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट जमा कर सकते हैं या पेटीएम कर सकते हैं। तो मतलब ये जितनी भी सुविधाएं हैं कि नेट बैंकिंग हुआ,
एटीएम हुआ, क्रेडिट कार्ड हुआ, बैंक में जाके पैसा जमा करना, और भी है कि अगर आपको ये सब कुछ भी नहीं है, ना बैंक भी जाना चाह रहे हैं, तो आप आपके शहर में बहुत कोई साइबर कैफे वाले हैं जो फॉर्म फिलअप आप वहाँ जाके करते हैं और पेमेंट वही नेट बैंकिंग करके भेज देते हैं। मतलब आपके पास नेट बैंकिंग की सुविधा नहीं है, उनके पास नेट बैंकिंग की सुविधा है, वो शायद आप 520 रुपया करेंगे तो इसमें 15 रुपया और ज़्यादा देंगे, या 360 में भी करेंगे तो 15 रुपया ज़्यादा देंगे, जहाँ तक मेरे को लगता है, क्योंकि ये लोकल चीज़ है, हर जगह के चार्जेस अलग होते हैं। तो वो आप पेमेंट करते हैं, वो आपको आ जाता है कि वो पेमेंट मेरे पास आ जाता है। आने के बाद जो ये पेमेंट हुआ है उसका स्क्रीनशॉट को, मतलब उसका स्क्रीनशॉट लेके आप जिस व्हाट्सएप में मेरे साथ जुड़े हुए हैं वहाँ पर उसको पोस्ट कर देते हैं, तो देखो मेरे को पता क्या चल जाता है कि आपने पेमेंट किया है, आप फलाने हो, आप अगर इस अमाउंट को हो तो मेरे को समझ में आता है मैथ लेने जा रहे हो, ये अमाउंट देते हो तो मेरे को समझ में आ जाता है कि डीवीडी आपको भेजना है, एड्रेस संपूर्ण होना चाहिए, एड्रेस में अगर प्रॉब्लम हुआ तो उसके लिए आप समझ सकते हो, आप गलत एड्रेस लिखते हैं उसके लिए दूसरा क्यों कोई जिम्मेवार लेगा। चलिए आई एम सॉरी, अगर जो लोग जानते हैं उनका वक्त थोड़ा सा खराब हुआ, इसके लिए मैं बहुत सॉरी हूँ, और जो नहीं जानते हैं लेकिन दिल में एक इच्छा रखते हैं तो मैं उनको बोलूँगा एक बार ज़रूर सोच लेना, क्योंकि ये ऑफर शायद आपके काम का होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 1/216 - -2/3, 1/256 - 3/4, 243 - -1/5। देखिए ये सारे सवाल, ये शायद तो बैंक में आया हुआ था, मैं सारे सवाल को देता हूँ और मैं बाद में कुछ चर्चा भी करूँगा आपसे आज, तो देखेंगे ये सवाल जो है ना ये अप्रोक्सीमेशन में भी दिखते हैं, नॉर्मल आपके सीपीओ में पूछे गए हैं ये, इस तरह के ये सवाल, इस तरह के सवाल तो और अप्रोक्सीमेशन में तो ये रहता ही है महाशय, आपके इसमें तो रहना ही है, इसको क्या कहते हैं सिंप्लीफिकेशन में, तो कहने का मतलब इसे थोड़ा जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है, तो इसे सीख लेना अच्छा होता है। अब देखिए यहाँ पे वन, ये देखो ये एक चीज है, 1/216 - -2/3, हमने क्या सीखा था, माइनस अगर प्लस में होगा तो ये पलटी मार देगा, तो क्या होगा 216 ऊपर भाग जाएगा, तो 216 हो गया, ये 2/3 हुआ, देखो यहाँ माइनस हट गया है, तो ये 1/216 दो ऊपर कैसे चला गया कि माइनस का पावर जो प्लस में पावर में जैसे चेंज हुआ 1/216 था वो 216 हो गया। उसी तरह वही कहानी है 256 की, 1/256 जो है वो 256 ऊपर चला गया और ये जो 3/4 था माइनस था वो प्लस हो गया। फिर हम देखते हैं 1/243 माइनस 1/5 था, यहां भी वही हुआ, 243 माइनस को 1/5 करने के जैसे हमने किया, क्या हुआ ये हटा 243 ऊपर चला गया। अब देखो तुम लोग 243 ऊपर चला गया तो नीचे का कहां गया, देखो भैया यहां से ऊपर चला जाता नीचे क्या बन जाता है, एक किसी चीज को एक से भागा दोगे तो वो वही चीज रहेगा, इसके लिए नहीं है। अब तो देखो ये यहां पे थोड़ा सा एक कार्यक्रम नया आया, उसके बाद वाला कहानी तो आप जानते ही हो, 216 को तोड़ना है, 216 होता है 36 × 216, अगर आपको नहीं पता है 6 का घन है 216, आप कॉपी निकालिए जहां मैंने अभी लिखवाया वहां पे फिर से लिखिए, 216 बराबर होता है 6 का क्यूब। अब देखिए अब 256 है, 256 है, 4 × 16, 16 × 64, 64 × 256, तो मतलब ये 4 कितना बार है, तो 1, 2, 3, 4, तो मतलब 4 to the power है इंटू वही 3/4 लिखा, ठीक है ना। फिर 243, अभी हमने 243 किया, 243 मतलब क्या होता है, 3 को 5 बार गुणा करने से 243 आता है, 1, 2, 3, 4, 5, 3 × 9, 9 × 27, 27 × 81, 81 × 3 = 243। अब देखिए यहाँ पे अभी तो ये तो 6 था, 6 का क्या होगा, कितना बार 6 लिखा था, 3 बार, तो 6 × 3 × 2/3, देखो ये तो बहुत सारे सवाल आप कर चुके हैं, आप समझ चुके हैं, 3 कट गया। अब 4 का देखो, 4 कितना है, 4 बार है 1, 2, 3, 4, 4 to the power 4 × 3/4 प्लस, देखो ये प्लस है इसलिए प्लस उतर रहा है। अब 3 कितना बार है, 5 बार है, 3
थ्री टू द पावर फाइव इंटू वन बाई फाइव। अब देखो तीन से तीन कट गया तो छः का स्क्वायर हो गया, छः के माथे पे दो है, चार का जो है चार चार कट जाता है तो चार का क्यूब हो जाता है, ठीक है, और प्लस थ्री का पांच पांच कट गया तो तीन। अब देखो टाइपिस्ट जी ने यहां गलती किया हुआ है, छह का अगर स्क्वायर होगा तो छत्तीस होगा, चार का क्यूब होगा चार चौके सोलह, सोलह चौके चौसठ, ये ठीक है, तीन कैसे एक हुआ मेरे को पता नहीं है दोस्त, ये टाइपिस्ट महाराज जो है अपनी श्रद्धा से दो घटा दी है, तो हम इसको काट के फिर इसमें तीन करना होगा इसे, तो फिर क्या हुआ ये 103 हुआ, ठीक है ना। तो यहां पे ये क्या होगा, सॉरी ये कट के जो होगा आपका वो कभी कभी ये बड़ा परेशान कर देता है दोस्त, अभी ये होगा 103। आज शायद आप मेरे को मेरे आवाज में उतनी बुलंदी नहीं है क्योंकि अभी जो है रात के यार ढाई बज रहे हैं, आज गणेश चतुर्दशी था तो फंसा रहा, अब क्या है कि करना तो है ही है तो यार कर रहा हूं लेकिन क्या है कि आवाज थोड़ा सा मरियल हो गया है। चलो अब आते हैं एक दूसरी सवाल पे, देखो 1000 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 24, ये बड़े कॉमन है यार और ये आदमी चकरा जाता है। अब देखो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ 10 है मेरे को इसको भी 10 मिलाना है तो ये कितना सुनना है, 3 सुनना है, मतलब 10 को अगर 3 बार गुना करेंगे मनी वन सोचो ना, 10 को 10 से गुना करेंगे 100, 100 को 10 से गुना करेंगे तो 1000, तो देखो ये 1000 है मतलब 10 का पावर 3 है। इसको एक रखा फिर एक मिडिल ब्रैकेट खींचा उसके ऊपर 9, कहे कि 9 यहां से आ रहा है, 9 तो पहले था ही तो 9 वहीं से आ रहा है, हो गया माइनस ये डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 24। अब देखो 3 को 9 से गुणा करते हैं, हर वक्त हमने इसको किया हुआ है तो हम 9 3 27 10 का पावर 27 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 24। देखो अब एक नई चीज और सीखते हैं, अगर एक ही बेस होता है जैसे 10 का बेस है, फिर से क्या बोला मैं एक बार बोलता हूं, अगर एक ही बेस होता है जैसे 10 का बेस है, यहां भी 10 है यहां भी 10 है तो फिर क्या होगा, भागा होगा तो पावर में घटेगा, 10 टू द पावर 27 कहां से है, 9 3 27, ये भागा 10 का 24 था तो ये 24 हो गया, तो 10 टू द पावर 27 माइनस 24 बराबर क्या हुआ 10 टू द पावर क्यूब, 10 टू द पावर क्यूब मतलब 10 को 3 बार गुना करेंगे, 10 को 10 से गुना करेंगे 100, 100 को 10 से गुना करेंगे 1000। तो देखो हमारे पास जो है ये चीज, हमने एक नई चीज सीखा यार कि जब हम भागा देते हैं घातांक में और जो उनके बेस एक ही है जैसे 10 का बेस है तो पावर में घटाव होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, 27 से 24 घटा, 3 9 27, 27 से 24, ये हमने नया सीख सीखा यार, ठीक है ना, घटाने में अगर बेस एक है तो पावर में माइनस होता है। अब 10 का क्यूब मतलब 10 को 3 बार लिखेंगे, 27 से 24 घटाएंगे 3, मतलब 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 मतलब क्या है, 10 को 3 बार लिखते हैं तो 10 को 10 से गुना किया 100, 100 को 10 से गुना किया 1000। तो आशा करता हूं यह भी आपके लिए स्पष्ट हो चुका होगा। अब आते हैं नहीं एक मैथ को देखते हैं, देखो कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार 10,000, 10,000 का ये देखो ये क्या है, ये आपके डबल वर्गमूल है, समझने के लिए बोल रहा हूं, क्या है डबल वर्गमूल, मतलब एक वर्गमूल को फिर से वर्गमूल करेंगे तो डबल वर्गमूल, और ये क्या 100 टू द पावर पूछा गया है और ये तो इसके ऑप्शंस हैं। देखो हमने यहां देखा था एक चीज की, जब वर्गमूल होता है उसको जब पावर में करते हैं तो 1/2 होता है, घनमूल के लिए यहां 3 लिखे थे पहले हम किए हुए हैं तो 1/3 लिखते हैं, ये 4 है तो कितना है, इसको हम पावर में जब लिखेंगे 1/4। देखो यहां रूट ओवर 4 का मतलब होता है क्या होता है, 10,000 के ऊपर 1/4 होता है, देखो ये 1/4 है। अब लेकिन 10,000 कैसे बनता है, देखो दोस्त
दस को आप चार बार गुना करोगे, मैं करता हूं, चलो दस को दस से गुना किया सौ, सौ को दस से गुना किया एक हजार, एक हजार को दस से गुना किया दस हजार, तो टेन टू द पावर फोर, क्यों दस लिख के ऊपर ही फोर क्यों आया, क्योंकि हमने चार बार दस से गुना किया है। चार बार अगर दस से गुना किया, दस के ऊपर पावर फोर, वन बाई फोर कहां से आया था, ये जो रूट ओवर फोर का जो सिंबल था वो आ गया। अब देखो चार चार कर लिया तो दस हो गया, लेकिन जो पूछा हुआ था कि यहां सौ अगर होगा बराबर, अगर सौ में मेरे को बनाना है तो उसके ऊपर पावर क्या होगा, पूछा ये गया था। तो हमने पता कर लिया पहले, ये जो बराबर होता है ये बराबर दस का होता है, तो फिर अब इसको भी दस के बराबर ही करना है ना मेरे को। अब देखो इसको अगर रूट ओवर कर देते हैं, रूट ओवर कर देते हैं, मतलब सौ का अगर वर्गमूल निकालते हैं, दस आने के लिए क्या होगा, हम सौ का, क्योंकि सौ दिया हुआ है, सौ तो यहां पे मैंने लिख दिया, और इसका वर्गमूल करते हैं तो ये क्या दस होगा, तो मतलब दस बराबर सौ का वर्गमूल होता है, यहां तक तो सही है। लेकिन अब वर्गमूल के सिंबॉल को अगर हटाएंगे तो क्या होगा, हमने पहले ही जाना किया है दस का टू द पावर वन बाई टू होगा। अब देखो दस का टू द पावर वन बाई टू, तो यहां पे क्या होगा, दस यहां क्या है, ये सॉरी यहां पे एक सोना कम हो गया है, एक सोना और हमारे इसने खा गया है, ये बेसिकली ये यहां पे एक सोना और होगा, तो ये सौ का जो है वो, सॉरी ये सौ का जो वन बाई टू है, क्या रूट ओवर यही है ना, तो सौ का वन बाई टू, देखो यहां पे सौ यहां भी दिया हुआ था, तो ये बराबर जो है दस हुआ, दस बराबर होता है सौ टू द पावर वन बाई टू, और ये पूछा क्या गया था, यहां इसको पूछा था इसने, ये देखो पावर पूछा था इसने, तो पावर हमें क्या मिल गया, वन बाई टू। ये थोड़ा सा जो है, मैं जानता हूं कि ये दोनों साइड करके मेरे को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके आना पड़ रहा है, तो शायद थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन दो तीन बार इसको गौर से देखेंगे तो फिर ये आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, लेकिन गौर से देखने के साथ साथ फिर आप प्रवचन भी सुनना जरूरी है, तभी जाके लिंक बैठता है दोस्त। अब एक नए सवाल पे आते हैं, देखो ये बोलता है कि रूट ओवर फोर एन, ये देखो इफ रूट ओवर फोर एन मतलब फोर टू द पावर एन इज इक्वल टू 1024, देन एन की वैल्यू क्या होगी। चलो हम करते हैं पहले 1024 क्या है, रूट ओवर फोर एन, अब इसे भी यार लिख, ये तो हमें याद हो जाता है, ये जो है चार का टू द पावर फाइव है, मतलब चार को अगर पांच बार लिखेंगे, लिख के गुना करेंगे तो 1024 होता है, कैसे, चार को चार से गुना किया दो चार आ गया 16, 16 को चार से गुना किया 16 चौके 64, 64 को चार से गुना किया 256, 256 को चार से गुना किया 1024, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 टू द पावर 5। अब रूट ओवर 4 टू द पावर है, यही तो है बराबर 4 टू द पावर 5। अब रूट ओवर 4 क्या होता है दोस्त, रूट ओवर 4 जो होता है 2 होता है, चार का वर्गमूल क्या है 2 है, तो हमने वर्गमूल हटा दिया 2 टू द पावर n। अब ये 2 में है, जब मेरे को इस चार को भी हमें 2 में बताना होगा, तो हमने लिखा 2 गुना 2, ये किसको तोड़ रहा हूं मैं, इस चार को तोड़ रहा हूं, और रूट ओवर 5 तो ये सॉरी टू द पावर 5 तो है ही है। अब 2n बराबर, देखो 2 2 से 1 2 हो गया, कितना बार गुना किया है, 2 को 2 बार गुना किया है, तो घातांक क्या हुआ 2 हो गया, और 5 तो पहले ही से था, तो ये क्या हो गया, गुना हो जाएगा तो 2 टू द पावर 10। अब देखो बेस अगर बराबर है, अब आखिरी जो हम, ये वीडियो कंप्लीट नहीं हो सकता है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन यहां इसकी मैं थ्रेड छोड़ के जाता हूं, बोलते हैं धागा जो सोच, वो क्या है, 2 टू द पावर n बराबर 2 टू द पावर 10, यहां बेस जब बराबर हो जाता है तो हम क्या लिख देते हैं, तो फिर ये पावर इसका पावर बराबर ये हो जाता है, जब बेस बराबर होते हैं, जब बेस बराबर होते हैं तो दो संख्या अगर उसके बाद बराबर हो तो उसके पावर भी आपस में बराबर होते हैं, इसलिए n बराबर 10। अब जरा देखें कि हम इस जगह पे आके एक सवाल और भी करते हैं, थोड़ा सा करते हैं, ये बहुत बार आया है, इसके लिए देखो एक ऐसे लिखा हुआ था, एक बटे दो टू द पावर एक बटे दो बराबर कितना, तो चलो हम लिखते हैं एक बटे दो टू द पावर एक बटे दो, तो ये बटे को हम क्या में लिख सकते हैं, भागा में लिख सकते हैं दोस्त, देखो यहीं पे खाली स्टाइल है, ठीक है,
तो क्या हुआ, एक भागा आधा टू द पावर 1/2। तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब देखो ये भागा जब है, भागा को हम अगर गुना में करना होता है तो पलट जाता है। तो बहुत ही स्वाभाविक चीज है, भागा को जब गुना में किया जाता है तो पलट जाता है। तो चूंकि ये भागा था, यहां पे गुना में आया, 1/2 था, 2/1 हो गया। तो फिर 2 को अगर 1 से गुना करते हैं, 2 होता है 2^1/2। और हम सीख चुके हैं कि किसी का पावर 1/2 होता है तो सीधे से हम वर्गमूल 2 बोलते हैं। तो देखो 2 वर्गमूल हो गया। तो मेरे को ये लगता है ये आपको सही समझ में आया होगा, दोस्त नहीं आया होगा तो फिर से एक बार बोल देता हूं। चलो 1/1/2, तो 1/1/2 का मतलब भागा, 1/2 को ऐसे ही रहने देते हैं, 2^1/2 था। अब देखो ये भागा में तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसको गुना में चेंज करना होगा। इसको जैसे हमने गुना में चेंज कर दिया तो ये फट से पलटी मारेगा, 2/1 हो गया। अब 1 से 1 काट दिया, चलो मनी मन करो अंदर में 2 है, 2^1/2 है। और किसी का पावर 1/2 मतलब उसका वर्गमूल होता है, मतलब 2 का वर्गमूल है। तो ये आपका जवाब मिल गया। आशा करता हूं ये भी पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ सवालों को लेकर करेंगे, आज इसको नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये मैं ऐसे भी दे रहा हूं कि मैं नेक्स्ट वीडियोस में करूंगा, लेकिन आपको कोशिश करने के लिए बोलूंगा। देखो यहां पे 256 × 0.16 है, 4 × 0.36। हमने एक चीज तो अब समझ में आ गया है, अगर बेस देख 4 है, यहां भी 4 हो तभी इनके पावर जुड़ेंगे, है ना। अब 256 है तो 4 से कितनी बार जाएगी, तो 256 होगा। वैसे करके आपको मैथ को बनाना है। देखो ये डाटा एंट्री ऑपरेटर 2009 में आया था। अब देखो एक सवाल है, इसको वीटी सवाल बोलते हैं, 5 × 5x + 5 = 1। अब ये 1 को कैसे करेंगे, ये 1 क्या है, फिर बोला x की वैल्यू ना, चलिए x लिखा था, x की वैल्यू मांगेगा। अब देखो किसी चीज का पावर 0 बराबर क्या होता है, वो 1 होता है। मतलब 2^0 बराबर कितना होगा, 1 होगा। 200,000 बराबर क्या होगा, 1 होगा। 5^0 बराबर क्या होगा, 1 होगा। 7^0 बराबर क्या होगा, 1 होगा। तो फिर हम अपने सुविधा के लिए क्या करते हैं, 5x + 5 = 5^0। अब हम जानते हैं जब बेस बराबर हो जाता है तो बेस को हम हटा सकते हैं, तो फिर क्या होगा, 5x + 5 = 0। यहां से हमें x की वैल्यू निकाल ली है। और समीकरण में कहीं प्रॉब्लम है तो मैंने एक वीडियो समीकरण का भी दिया हुआ है, उसे जरूर देखें, तो ये सारे सवाल नहीं रहेंगे। ये SST 2003 में था और सुन के आश्चर्य होंगे, ये जीडी लेवल का क्वेश्चन है। अब आते हैं इसे हमने, अच्छा इसको हमने कर दिया, सॉरी यार मैं भूल गया था, कर दिया है, आप देख लेंगे इसे, एक ही सवाल किया है और सब नहीं किया है। अब हम आते हैं इस पे, सॉरी इसमें क्या है, 1/2 - 1/2। देखो एक हमने किया है उसी तरह का सवाल है, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर LDC परीक्षा में आया हुआ था। देखो √x/√441 = 0.02। अब 441 तो देखो ही भैया, ये तुम्हारा क्या है, ये 21 का स्क्वायर है। अब 21 का स्क्वायर है, ये बटे में है, मतलब ये नीचे है, जब इधर ले जाओगे तो क्या होगा, समीकरण का नियम क्या बोलता है, ये गुना, ये भागा गुना में चेंज हो जाएगा, तो 0.2 × 21 आ जाएगा, ये √x। अब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये √ हट जाएगा, x की वैल्यू आपसे अब निकल जाएगा। कोशिश करना ना, देखो ये कितने आसान सवाल, लेकिन वो पहले भी आए थे, ये CGL लेवल में आते थे, अब क्या ये CPO लेवल में आते हैं, GD लेवल में आते हैं, CGL लेवल से तो कब हट गई ये सब। अब देखो वो संख्या जिसे √3 + √2 के साथ गुना करने पर इतना प्राप्त होता है, वो संख्या क्या है, बहुत ही आसान था दोस्त, बहुत ही आसान। कोशिश करना, नहीं होता है बोलूंगा, ये मैथ टिपिकल है, इसमें कुछ चीज को जान लेना जरूरी होता है, प्रूफ को देख लेना जरूरी होता है, बड़े किताबों में बड़े लंबे चौड़े होते हैं, हम बड़े छोटे में करते हैं इसे अपने स्टाइल में, लेकिन स्टाइल वही है, मैथ्स के अंदर भी तो रहना पड़ता है, मैथ्स के बाहर तो कुछ नहीं जाओगे। तो देखो अगले वीडियो में इसे हमें इस पर भी सीखना है, ये तो एकदम कंप्लीटली न्यू टाइप है। ये देखो CGL टायर 1 में आया है, मैं अगर आपको चैलेंज करूँ CHSL में तो भी आया है, अगर आप चैलेंज करेंगे ये CPO में आया है तो मैं हंसते हुए चुप होऊंगा।
तो कहने का मतलब है कि नए ट्रेंड को तो मैं भूलता हुआ हूं और ये इसकी बड़ी अब धाक जमी हुई है, तो इसे कैसे करेंगे, ठीक है ना, ये हम नेक्स्ट एपिसोड में सीखेंगे। ये भी वही देखो, 3 to the power, ये 3√7 − 4√5 से 5√7 − 2√5 कितना अधिक है, तो ये भी एक स्टाइल है। तो ये देखो, ये सीजीएल प्रारंभिक में है, लेकिन अब ये सब 1999 हो गया, अब तो ये क्या है, जीडी लेवल में आने लगा। तो मतलब जो बोलते हैं ना और जो नहीं हो रहा है बोलते हैं, अब जितना साल जा रहा है, देखो जो चीज 1999 में आपके सीजीएल लेवल में आते थे, अब आपकी ये सीपीओ से भी आगे आगे नीचे उतर गए, अब जीडी लेवल में आने लगे हैं। तो इस चीज से जो बोलते हैं ना लोग जब कि सर कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो एक तरह से जानना कि बोलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यहां पे अब कोई बाउंड्री रही नहीं गई है। अब कोई लड़के बोलते हैं कि सर ऐसे सवाल नहीं आते हैं मेरे को, लिखते हैं कमेंट्स में, आप भारी सवाल दीजिए। मैं बोलता हूं यार जरा देख लेना यार पिछले साल के कितने सवाल थे, क्योंकि अगर आप सीजीएल भी करने जाते हैं और हल्के सवाल को छोड़ देते हैं तो एग्जाम हॉल में भी छोड़ के ही आइएगा, इसकी गारंटी मैं दे देता हूं। क्यों, उस प्रेशर में वो छोटे हल्के सवाल में भी आपकी परेशानी पैदा हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि एवर रेडी की स्थिति होनी चाहिए। अब देखो ये सवाल है, मतलब ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि मैं अगर बोलता हूं कि मैंने तुम्हारे चैप्टर कंप्लीट किए तो मैं गलत बोल दूंगा। ये सारे सवाल को जो है हम इसे जो है अगले वीडियो में मैं कवर करूंगा। तो ये कहीं कहीं अगर है कि किसी को मैं जैसे सारी दुनिया करती है वैसे करूंगा, किसी को करूंगा तो मैं अपने अंदाज में करूंगा। तो ये सारा दिखाने का मेरा मकसद भी बस इतना ही था। चलिए आज का सेशन यही खत्म होता है। कुछ वीडियोस हैं, मेरे को लगता है कि अगर आप देखे नहीं है तो जरूर देखेंगे। और साथ ही साथ तो एक चीज जरूर बोलूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को बोलते हैं फोन करके, चूंकि मेरा फोन नंबर दिया हुआ है, मैं ही तो एक हूं सब झेलता हूं, कि सर आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है, आजकल आप वीडियो नहीं दे रहे हो। दोस्त क्या है, आपको सब्सक्राइब करने के साथ साथ अब घंटी के बटन को भी दबाना होगा, तभी आपको नोटिफिकेशन फटाफट मिलेगा। तो मेरे पे आरोप ना करो दोस्त, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, अगर सब्सक्राइब किया है तो घंटी दबाना है। देखो उससे क्या है कि मेरे को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अब आपको देखना है मेरा या नहीं देखना है तो वो आपकी स्वतंत्र इच्छा है, लेकिन अगर आप ये करते हैं तो मेरी कोशिश आपके दरवाजे को जरूर कटकटाता है। बस यही चीज मैं बोलना चाहूंगा, और साथ ही साथ आप सबसे हम आज के लिए विदा लूंगा। अब तो मेरी आंखें भी बंद होने लगी है, अब सोने जा रहा हूं मैं। ओके देन, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।